आइए समझते हैं, जब दो रेखाओं, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने कोण। देखें ये दोनों हम सब जो है समांतर रेखा है, ये जो तिरछी लाइन आई है इसको ही हम सब तिर्यक रेखा बोलते हैं। देखिए तिर्यक रेखा कोई भी हो सकता है, परपेंडिकुलर लाइन भी हो सकती है और ये किसी एंगल पे जाती हुई रेखा भी हो सकती है। तो देखें ये जो है किसी एंगल पे टिल्ट है, मतलब किसी एंगल से होके जा रही है। तो देखेंगे यहाँ अगर हम सब ऊपर की एक लाइन खींचे और ऐसे खींचे तो यहाँ देखिए बनाया हूं एक दो तीन और चार, तो ये ऊपर की लाइन है जो कि हमने नाम दिया है यम। बाकी एक नीचे भी लाइन हमने खींच के रखा है जो कि है यम। यहाँ पे क्या है पांच, यहाँ फाइव है, यहाँ सिक्स है और ये सेवन और ये एट। बाकी ये जो लाइन जा रही है ये हम सब ये पी और क्यू है, ऊपर वाले डायग्राम में यही बना हुआ है। तो देखिए हमने नीचे की बनाई, कभी भी एंगल का अगर नाम रखते हैं या तो क्लॉकवाइज रखेंगे या तो फिर एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज मतलब ये आप या तो ऐसे रखेंगे वन टू थ्री फोर, अगर इधर से रखते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ होगा, अगर यहाँ रखेंगे फिर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ होगा। तो हमने यहाँ पे एंटी क्लॉक रखे, ये हम सबका क्लॉकवाइज है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और उल्टा अगर रख देंगे तो ये एंटी क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है। याद रखेंगे कभी भी कोण का नाम लिखते समय या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉक रखेंगे। यहाँ पे हम सबने जो है एंटी क्लॉक नाम लिखे हैं। देखें जो ऊपर में लाइन बनी है, अगर ऊपर की बात करें, ऊपर वाली लाइन जो है सेम टू सेम लाइन सेकेंड वाली जो नीचे वाली लाइन होगी उसके लाइन के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए जैसा एक बन रहा है वैसा पांच भी बनेगा, जो चार बन रहा है वैसा आठ भी बनेगा। तो आप समझते हैं इससे जो कोण बन रहे हैं, तो समझते हैं इसके जो कोण है। देखिए ऊपर का जो कोण होगा, ये ऊपर वाले कोण को बोलते हैं बहिष्कोण। पहला जो है जिसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। देखें बाह्य कोण में कौन कौन से हैं, कोण एक और दो, सात और आठ। देखिए कोण एक और दो है, सात और आठ है, क्योंकि बाहर में जो कोण बने हैं उनका नाम है बाह्य कोण। देखिए अंतः कोण कौन है, अंतः कोण कौन है, अंदर की तरफ जो बन रहे हैं, तीन और चार है, पांच और छह है। तो तीन कामा चार पांच और छह। देखिए अब इसके साथ साथ देखिए संगत कोण समझते हैं, संगत कोण, संगत कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखें करेस्पॉन्डिंग एंगल मीन संगत कोण क्या होते हैं, लाइन वन के ऊपर देखें, लाइन टू वन के ऊपर मीन्स यल के ऊपर वाले में देखें वन और टू लिखा, तो जिधर वन होगा उधर ये फाइव पे, मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव होगा और एंगल एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स के होगा। एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स होगा। आगे देखें अब यहां पे एंगल फोर जो होगा, ये एंगल फोर एंगल एट के बराबर होगा। एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन, इसको बोलते हैं संगत को, ऊपर के बाह्य कोण और अंतः कोण। देखिए आगे समझते हैं थ्री के बाद फोर कोण कौन से बनते हैं, उसका नाम है एकांतर अंतः कोण। इसको इंग्लिश बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये थ्री और फाइव, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव। आगे क्या है देखें एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स होगा। देखें फिफ्थ वाला क्या है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण इसको बोलते हैं अल्टरनेट स्टीरियर एंगल।
देखें अल्टरनेट स्टीरियर एंगल क्या है, ये वन क्योंकि एक लाइन के जो बाहर होगा वही बाय कोण होगा वन और इधर का सेवन, जैसे इधर में थ्री और फाइव हो रहा है, अंदर का एकांतर मतलब एक साइड का इसका इधर का एक साइड, अब इधर में क्या है इधर का एक साइड वन और इधर का सेवन, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल सेवन एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एट। समझते हैं आगे देखो, फाइव के बाद सिक्स का नंबर है क्रमागत क्रमागत संगत को, या क्रमागत इसको हम सब एकांतर कोण भी लिख सकते हैं क्योंकि एकांतर कोण को लेना है क्रमागत एकांतर कोण। देखें क्रमागत एकांतर इसका होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। देखें ये फोर और फाइव एंगल फोर और फाइव जो है एंगल फोर और फाइव जो है ये आपका कंसेक्यूटिव है, दूसरा कौन होगा थ्री और सिक्स होगा, थ्री और कोण सिक्स। तो देखिए ये हम सबका इसको हम सब क्रमागत एकांतर कोण क्योंकि अंदर के कोण है और साथ साथ में है, या क्रमागत संगत एकांतर कोण भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फोर और फाइव होगा और ये थ्री और सिक्स होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए सिक्स कोण बने हैं। अभी और भी कोण बन सकते हैं, देखो सेवन कौन कौन से होंगे, देखो सेवन का कौन सा होगा इसमें शीर्ष अभिमुख कोण भी बन रहा है वन और थ्री, तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम सब बोलते हैं वर्टेक्स अपोजिट एंगल, वर्टेक्स अपोजिट एंगल। देखिए वन और थ्री इक्वल होगा, वन और थ्री इक्वल होगा और टू और फोर इक्वल होगा एंगल फोर। आगे देखिए ये सिक्स और एट होगा, एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल एट हो जाएगा, एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सेवन होगा। समझते हैं इसके देखो कुछ अलग भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहां देखिए जो हम सब लाइन खींच रहे हैं यहां पे ये वन है ये यल है और ये पी और क्यू लाइन क्रॉस कर रहे हैं। देखिए ये एंगल वन है और ये एंगल कितना है फोर, तो ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब रैखिक कोण बना रहा है, तो वन और फोर को एड करने पर कितना आना चाहिए 180, क्यों क्योंकि ये रैखिक ही उम्र कोण है, रैखिक युग। इसी तरीके से देखें कितना हो जाएगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। आगे देखें एंगल फाइव प्लस एंगल एट इज इक्वल टू 180 आना चाहिए, एंगल सिक्स और सेवन को ऐड करने पे 180 आना चाहिए, क्यों क्योंकि इन्हीं सब की प्रॉपर्टी है। समझते हैं नोट का सेकंड पॉइंट क्या है, सभी का ऐड करने पे कितना आना चाहिए 360, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 360। देखिए क्यों क्योंकि इसको अगर हम सब ड्रा करेंगे एज अ तो यहां पे कंप्लीट एंगल बनाता है वन, ये यहां से यहां वन टू थ्री फोर ये ऐड करने पे कितना आना चाहिए 360, या एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट इज इक्वल टू 360 आना चाहिए। ये भी वही लाइन ड्रा कर रहा है क्योंकि नीचे में वही लाइन क्रॉस कर रही है, ये 5 हो जाएगा, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, ये भी कंप्लीट एंगल बना रहा है। देखिए चित्र में गामा है x का मान, ये रेखाएं देके रखा है यम यल यम और ये है यन, तो हम सबको पता है कि जितना ये 56 होगा ऊपर का भी कितना होगा 56 होगा, क्यों क्योंकि ये हम सबका ऊपर में देखिए ये संगत कोण है क्योंकि लाइन के ऊपर का ये लाइन के ऊपर का दो संगत, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, मींस 56 एंगल प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 56 घटा देंगे तो कितना आएगा 124 डिग्री आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 124।
समझते हैं क्वेश्चन है, यदि y अनुपाते जेड बराबर 3:7 है तो x का मान निकालना है। तो कंडीशन भी है कि l पहले टू द m पहले टू द n, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये m रेखा और n m l तीनों रेखाएं आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो देखें देके रखा है y अनुपाते जेड बराबर 3:7। देखें अगर हम सब इस लाइन को अभी कुछ देर के लिए यहां पे समझे, केवल दो लाइन का समझे, तो देखें यहां पे अगर हम सब ये एक यम को समझे और यम को समझे, देखो ये जहां पे y बन रहा है वहीं को सेम टू सेम x बन रहा है, क्योंकि इस लाइन को अगर इस लाइन को इस पे शिफ्ट कराओ, यम लाइन को अगर इस पे शिफ्ट करा दो तो जहां पे y आ रहा है वहां पे x होगा, मींस कोण x बराबर कोण y आएगा, कोण x बराबर जो हम सबका कोण x है वो कोण y के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमको पता है ये जो है एकांतर कोण है, देखो ये हमको पता है कि ये संगत कोण है, देखो संगत कोण है क्योंकि ऊपर में ये भी बना है और ये भी बना है। देखें इसका मतलब जहां पे x है आपका, जहां पे y है वहां पे x, या y की जगह x रख सकते हैं। आगे देखें अब इस लाइन को, अब y वाले को z समझते हैं, देखें बीच का x हटा दिया तो ये हम सबका y एंगल आ रहा है और ये कितना z। देखिए इसका मतलब यहां पे जो आ रहा है ये होगा y होगा, क्योंकि अगर इस लाइन को शिफ्ट करा दो इस पे, जो हम सबका यन लाइन है, जो यन लाइन है उसको शिफ्ट करा दो किस पे, यल पे, तो ऐसे देखें ये जो है इसका यहां हो जाएगा y। तो कहने का मतलब y और z को जोड़ने पे, y और z को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180। तो देखें इसका मतलब ये भी कोण कितना होगा, y होगा। देखें ये ये जो है y है तो x वाला भी क्या होगा, y होगा, क्योंकि सेम सेम संगत कोण बने, ये भी क्या होगा x होगा। तो यहां पे देखें x y मतलब बराबर होंगे, कोण x बराबर कोण y होगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। तो समझते हैं इसको, देखो तो y प्लस z इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180, क्यों, क्योंकि रैखिक युग्मक कोण बना रहा है, रैखिक युग्मक कोण बना रहे हैं। देखो हम सबको y टू z देख रखा है 3:7 में, तो इसको रेशियो को पहले हटाओ, y टू 7 इज इक्वल टू 3:7, तो y by z इज इक्वल टू 3:7 हो जाएगा। तो हम सबको क्या निकालना है, देखिए क्या निकालना है, x का मान, तो इसको जो z का मान निकालें, तो देखो z का मान निकालते समय क्या आ जाएगा, z इधर आ जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 3z/7। अब z निकालना है तो इधर भी मल्टीप्लाई करो, 7y/3 इज इक्वल टू z। समझते हैं, देखो इसका मान यहां पे रखो, इसका मान यहां पे रख देंगे, मींस y प्लस z में z का मान रखने पर बराबर 180, y प्लस z इज इक्वल टू 180, तो इस z का मान यहां पे रख दो, z का मान यहां पे रखो या फिर y का ही मान रखो, क्योंकि y के टर्म में निकाल लोगे x आ जाएगा, क्योंकि जो x होगा y होगा बराबर, ये हमारा x के बराबर होगा, तो z का मान y का मान इसमें रख लो, y बराबर कितना रखना है, y बराबर 3z/7 इज इक्वल टू, देखिए इसको यहां पे रखो तो 3z/7 प्लस z इज इक्वल टू 180, बाई वन कर देंगे तो मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा 3z+7 का जेड में कराएंगे 7z/7 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10z/7 इज इक्वल टू 180। अब जेड को वैल्यू निकालना है तो हम सब का निकालो यहां से, ये हो जाएगा 10z इज इक्वल टू 180 इंटू में कितना 7, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 × 7/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 18 × 7 करा देंगे तो कितना आ जाएगा 126, जेड की वैल्यू हो गई 126।
देखो जेड की वैल्यू 126 आ रही, मींस यहाँ पे जेड की वैल्यू 126 है। हम सबको पता है कि ये वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 आना चाहिए, तो वाई निकालना है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 54। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यही यक्स का मान होगा, यक्स बराबर 54 डिग्री होगा। देखे चित्र देखे रखा है, चित्र में बोला कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो ये AB पैरेलल टू द CD, AB जो है CD के पैरेलल है, तो देखें निकालना कैसे, ये 50 और x ये इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। देखो अगर इसको समझना है तो ये समझते हैं, हमने इसके पहले एक डायग्राम बनाया था कुछ ऐसे, यहां पे देखिए इसको 3 था और ये 5 था, जब एंगल प्रॉपर्टी पढ़ रहे तो ये 3 इज इक्वल टू क्या था 5, तो ये भी एक अंतर कोण है, इसी तरीके से ये 50 और x इक्वल हो जाएगा। देखिए अब एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल क्या बन रहा है, पी क्यू और आर, तो एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए क्या हो रहा, हम सबको पता है, देखो ये कितना होना चाहिए, ये टोटल 180 होता है, तो देखो ये कितना हो जाएगा एंगल पी पी आर क्यू, तो देखिए पी आर और क्यू निकालना है, तो 180 माइनस 127 कर दो, तो 127 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हम सबका 127 घटाएंगे तो आंसर आएगा इसका 53, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 53। देखिए ये हो गया 50 डिग्री, इधर का ये 53, अब तीनों को जोड़ने पर एंगल प्रॉपर्टी अगर हम सब लगाते हैं, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में R में, तो एंगल देखें एंगल कौन कौन सा, P Q और R, एंगल P Q और R मींस ये P और ये Q और ये वाला एंगल प्लस P R Q प्लस P R और Q प्लस एंगल Q P R इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, योगफल 180 अंश होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। वही प्रॉपर्टी यहां पे लगा देंगे पी क्यू आर, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री है और आर की वैल्यू 53 है, क्यू पी आर निकालना है, तो यहां पे लिख देंगे 50 प्लस 53 प्लस, देखिए क्यू पी आर क्या है, क्यू पी आर हम सबका वाई है, तो इसको वाई मान लिख देंगे यहां, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो देखो ये ऐड कर देंगे तो 103 आएगा प्लस कितना वाई इज इक्वल टू 180, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 103, इसको सबट्रैक्ट करो तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 77, तो x का मान हो गया, x का मान आया है, देखें x का मान 50 है, x इज इक्वल टू कितना है 50 डिग्री और y इज इक्वल टू कितना है 77 डिग्री। चलो समझते हैं, फिर क्वेश्चन है हम सबका, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए जबकि देखे रखा है AB पैरेलल टू द CD, मींस ये वाली जो रेखा है इसके ये समांतर है, समांतर होने का कंडीशन क्या है, यहां से लेके यहां तक के बीच का दूरी अगर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके इसके बीच का कहीं भी नापेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा, तो एक ये है। देखें अब क्या है, हम सबको पता है अगर कहीं से भी अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, मींस ये जो दिया हुआ है अगर यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो तो ये कितना फॉर्म करता है 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, मीन्स दोनों साइड 90 डिग्री फॉर्म करेगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है 90 डिग्री फॉर्म करेगा। देखिए तो ये ऐसे खींच के रखा है, तो यहां देखिए ये टोटल कितना 96, ये कितना हो जाएगा 6 डिग्री। अब आगे देखिए ये 140 देके रखा है, अगर यहां से इसको ऐसे मिला दो, यहां से इसको ऐसे मिला दो तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 140 माइनस यहां पे हो जाएगा 140 माइनस 90, तो देखो कितना हो जाएगा ये हम सकता 50 डिग्री, मींस ये वाली जो वैल्यू होगी ये 50 डिग्री,
51। तो यहाँ पे अब नाम लिखो ए बी और ये यहाँ सी और ये डी और ये ई। देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए ई और सी का, तो लिख देंगे ट्रायंगल ए ई सी। ए ई सी में हम सबको पता है तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, मतलब 6 को जोड़ो, 50 को जोड़ो और x को जोड़ो। तो x प्लस 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम सब पढ़ के रखे हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है। ये x प्लस कितना 56 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 56, x इज इक्वल टू घटा देंगे तो 124 आंसर आएगा। मीन्स x की वैल्यू जो होगी 124 आंसर होगा।